types of learning disability. We have already come to know that a person suffering from learning disability suffer in one particular learning disability. It may be more than one, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी learning disability एक individual को हो जाए. उसके कई प्रकार हैं और चर्चा के क्रम में हम लोगों ने ये भी जाना कि कुछ जो प्रकार हैं उनको लोग डायरेक्ट प्रकार मानते हैं और कुछ को मानते हैं कि नहीं, ये सीधा टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं. हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट कलेक्ट किया है इसमें जो भी हमको अवेलेबल मिला है. सो फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटी. नंबर वन, हम यहाँ सबका लिखेंगे, डिसलेक्सिया. फिर है डिसकैल्कुलिया. अगेन इट इज डिसग्राफिया. Afterwards, it is dyspraxia. Again, it is aphasia. Aphasia. पहले अलग अलग थे लेकिन अब दोनों को लोग एक ही मानते हैं. थोड़ा सिम्टम में डिफरेंस है. डिसफैशिया. इसके अलावा इसका पूरा ADHD स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा था, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसेबिलिटी. फिर APD. इस सब को अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे. बड़ा है तो एक बार में और छोटा छोटा है तो मिला के एक एक पार्ट में करेंगे. सो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर APD. अगेन विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. अगेन इट इज नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर. Non-verbal learning disorder followed by language processing disorder LPD. एंड ये सबसे कंट्रोवर्सियल है क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के एक ग्रुप का मानना है कि यह ऑटिज्म जो है ये कहीं नहीं आता. लोगों का मानना है इट इज नाइदर लर्निंग डिसेबिलिटी नॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्योंकि आइसोलेट रहने से संबंधित है ये. आगे हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे. सो देर आर डिफरेंट ओपिनियन अबाउट ऑटिज्म एज वेल. इनके बारे में अलग अलग ओपिनियन है. तो एक तो हम लोगों ने जाना कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी और उसमें हम लोगों ने उसका लिस्ट बनाया. इन सारे पे अलग अलग हम लोग चर्चा करेंगे. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं एक बार और इसको पढ़ देता हूँ. डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसप्रैक्सिया, एफेसिया, डिसफेसिया. ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है. जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो फिर इसको जानेंगे. फिर आपका है ADHD. और ADHD के बारे में हम लोगों ने जाना कि ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसेबिलिटी है. फिर APD ये आपका ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है. फिर ये विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. फिर नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एंड एट द एंड इट इज ऑटिज्म. सो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी. और इसमें कई तरह के विचार हैं. जैसा कि हमने कहा, आप
किसी और सोर्स से आप कलेक्ट करना चाहें तो कर लें। जैसे ऑटिज्म के बारे में बहुत तरह के ओपिनियन है, आगे हम उसको जब विस्तार से करेंगे तो देखेंगे उसको। सो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ लर्निंग डिजेबिलिटी। थैंक यू फॉर दिस पार्ट।